सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में, जो कि आने वाले 13 अगस्त दिन रविवार को पड़ रहा है। रविवार को पड़ने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। प्रदोष व्रत में यानी कि प्रदोष काल में भगवान शंकर जी की पूजा की जाती है शाम के समय, क्योंकि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है उसे प्रदोष काल का समय कहा जाता है और भगवान शंकर की पूजा के लिए वह बहुत ही अच्छा समय होता है। उसे गोधूलि काल भी कहा जाता है क्योंकि जो सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले 45 मिनट बाद का समय होता है, तो ये समय प्रदोष काल का होता है और भगवान शंकर की पूजा के लिए बहुत ही उत्तम समय होता है। तो प्रदोष व्रत करने से जो है व्यक्ति के सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है, सुख समृद्धि का वास उसके घर में होता है और आने वाली कोई भी परेशानी है वो सभी परेशानी जो है व्यक्ति की दूर होती है और कोई मनोकामना जो आपकी अधूरी है वो भी पूर्ण हो जाती है। क्योंकि भगवान शंकर जी का ये व्रत है ये त्रयोदशी तिथि पर ही आता है, क्योंकि त्रयोदशी तिथि जो है महीने में दो बार आती है, एक कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। तो ये त्रयोदशी तिथि जो है 13 अगस्त को सुबह 8:20 प्रारंभ होगी और समाप्ति इसकी 14 अगस्त को 10:25 पर होगी सुबह। तो शाम का ज़्यादा महत्व है तो इसलिए ये 13 अगस्त को ही किया जाएगा। ये द्वितीय अधिक मास के सावन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस व्रत को करने से पहले सुबह के समय व्यक्ति को व्रत का संकल्प लेना चाहिए और उसके बाद भगवान शिव के परिवार की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान शंकर के नियमित मंत्र जाप, चालीसा, आरती आदि करनी चाहिए। शाम को दोबारा जो है व्यक्ति को स्नान करके फिर से पूजा पाठ करनी चाहिए। भगवान शंकर जी के सामने दिया जलाएं, फूल फल चढ़ाएं, बेलपत्र इत्यादि, शमी के पत्ते, धतूरा, भांग आदि शिवलिंग पर अर्पित करें। दूध दही से भगवान शंकर जी का अभिषेक करें, क्योंकि प्रदोष व्रत जो है महीने में दो बार आता है और इसका बड़ा ही महत्व कहा गया है। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी आ रही है, कोई काम आप नहीं बन रहा है तो प्रदोष व्रत को भी बहुत महत्व कहा गया है और ख़ासकर जब शाम के समय किया जाता है पूरी श्रद्धा के साथ तो आपकी जो है जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है, साथ ही आने वाले सभी प्रकार के कष्टों से आपको छुटकारा मिलता है। प्रदोष व्रत अलग अलग दिन पढ़ने पे उसका अलग अलग महत्व होता है। जैसे रविवार को पढ़ने से रवि प्रदोष व्रत होगा, सोमवार को पढ़ने से सोम प्रदोष व्रत होगा, मंगलवार को पढ़ने से भोम प्रदोष व्रत होगा। तो अलग अलग दिन पढ़ने से इसका अलग अलग नाम दिया जाता है। तो ये रवि प्रदोष व्रत है इसका भी बहुत ही महत्व कहा गया है। मगर ध्यान रहे, जिस दिन भी आप कोई व्रत करते हैं उस दिन झूठ कपट छल आदि से दूर रहें, हर प्रकार के तामसिक भोजन से दूर रहें, शुद्ध भोजन करें। रात को एक बार और पूरे दिन पर फलाहार भोजन कर सकते हैं या सिर्फ मीठा ले सकते हैं या फलाहारी निराहारी जैसे भी आप चाहे कर सकते हैं, मगर रात को एक समय दिन छुपने के बाद आपको खाना खाना है। तो ये था रवि प्रदोष व्रत जो आज आप लोगों ने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर भी कर दें ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।